हम अपने शरीर और दिमाग को बेहतर बनाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, मेडिटेशन, योगा, जिमिंग, एक्सरसाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ऐसे कई और तरीके भी हैं जो और भी आसान है और ये आपको और भी ज्यादा फायदा करती है। ये तरीके जैसे मुद्रा, एक्यूप्रेशर, इन सब की जानकारी आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं है। आपको पता ही नहीं कि ये आपके कितने काम की चीज है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि मुद्रा और एक्यूप्रेशर के जरिए आप अपने शरीर को इतना स्वस्थ और दिमाग को इतना तेज बना सकते हो जिसकी कोई हद नहीं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी सिंपल और बेस्ट चीज है जिसके बारे में लोगों को जानकारी तो है पर पूरी जानकारी नहीं है। आजकल की दुनिया में स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी प्रेशर होती है, जो जॉब करते हैं उनके दिमाग में भी बहुत स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस के समय हम ये सोचते हैं कि काश कोई तरीका होता जिससे हम तुरंत ताज़ा फील कर पाते। बड़े लोग कई स्ट्रेस रिलीवर गोलियां लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आप इंटेलिजेंट यानी और भी बुद्धिमान बनना चाहते हो, आप अपनी मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, आप ये तो जानते हो कि एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी चीजें करने से आपकी ये मेमोरी और इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, पर ये सब आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास उतना फ्री समय नहीं है या फिर सिंपली आपको मन नहीं करता। तो क्या हो अगर मैं बोलूं कि आप एक छोटी सी ट्रिक की मदद से एक मिनट के अंदर अपनी इंटेलिजेंस और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हो? जी हाँ ब्रो, यही है एक्यूप्रेशर। आपकी कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता और आपकी मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तो आप मानते हो ना, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने रोज के जनरल काम, मेमोरी का इस्तेमाल आप हर जगह पे करते हो। आपके पूरे शरीर में ऐसी कई पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आप बार बार प्रेस करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, पर जो सबसे अच्छी और सबसे इफेक्टिव जगह है वो है आपका ये पॉइंट। इसे हम थर्ड आई पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट आपके दोनों आईब्रोज के बीच में है। इसे आपको बस 2 से 3 मिनट दबाना है, मतलब इस जगह प्रेस करो और छोड़ो, यानी दबाओ और छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, हर 1 सेकंड। इसका मतलब अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तब आप 1 मिनट में ये 60 बार कर लोगे, हर 1 सेकंड 1 बार, और 3 मिनट में 180 बार। तो अगर आप सुबह उठ के ही 3 मिनट तक गिन के 180 बार दबाओगे तो पूरे दिन आप ये नोटिस करोगे कि आपकी मेमोरी पावर काफी बढ़ी हुई है। इसको करने से आपका दिमाग अपलिफ्ट होता है, मतलब ये प्रेस करने से दिमाग का हर एक ऑर्गन और ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा सबसे ज्यादा फायदेमंद पॉइंट है आपका सन पॉइंट। सन पॉइंट इसे कहते हैं, मतलब आपके टेम्पल के बगल वाले 2 पॉइंट्स। यहाँ पर जब आप धीरे धीरे मसाज करते हो तब आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत खास एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपकी एकाग्रता को बिल्कुल लेजर की तरह शार्प कर देगी, यानी तेज बना देगी, और ये आपकी मेमोरी को भी बढ़ाती है। इसे भी आप 3 मिनट तक मसाज करते रहो। और ये मत सोचना कि ये बंदा मसाज को एक्यूप्रेशर क्यों बोल रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये फैक्ट बिल्कुल सिंपल है। ये पॉइंट्स का फायदा आपको तब मिलता है जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कोई भी एक्टिविटी यानी गतिविधि करते हो। गतिविधि करने से ही आपको फायदा होगा। इसका मतलब ये, उस जगह दबाओ और छोड़ो या फिर उस जगह पर मसाज करो। पिछली वाली एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी आप मसाज कर सकते हो। मिडल ऑफ NNL पॉइंट, मतलब आपके नोज यानी नाक और लिप्स यानी होंठ की बीच वाली पॉइंट। इस पॉइंट को दबाने से भी आपकी एकाग्रता और बुद्धि बढ़ती है, और साथ साथ ये आपकी लेजीनेस यानी आलस को दूर करती है। मतलब अगर आप इसे वही टिपिकल 3 मिनट तक डेली 2-3 हफ्ते तक करोगे तब आपके अंदर हमेशा ऊर्जा रहेगी और आपकी लेजीनेस यानी आलस बहुत कम हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट को यूज जरूर करना। तीसरी पॉइंट है बिलो थंब पॉइंट। ये पॉइंट है बिल्कुल इस जगह पे। ये पॉइंट आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बस 3 मिनट करके यानी 180 बार इस पॉइंट को डेली दबाओगे तो आपको कभी भी लिवर, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, चेस्ट या पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनसे आप अपने दिमाग को फिट बनाओ, और तीसरी पॉइंट से आप अपने फुल शरीर को फिट बना सकते हो। IQ प्रेशर के साथ साथ मुद्रा भी वही
तीन से पाँच मिनट करने वाली एक ऐसी जादुई चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मुद्रा आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। ये एक तरह की टेक्निक है जिससे आप अपने शरीर और दिमाग में जैसी चाहे वैसी चेंजेस कर सकते हो। मुद्रा में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस अपने उंगली को अलग अलग पोज में रखना पड़ता है और सीधा बैठना होता है अपनी आँखों को बंद करके। ज्ञान मुद्रा सबसे सिंपल मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा में आपको अपने अंगूठे को अपनी दूसरी उंगली मतलब कि अपनी तर्जनी उंगली से सटा के ऐसे रखना पड़ेगा, बाकी उंगलियों को जैसे चाहे वैसे रख सकते हो। सीधा बैठो और अपनी उंगली को वैसी पोज में करके सिंपली 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और बंद करने के बाद अपनी सांस पे फोकस करना है, यानी सांसों पे ध्यान लगाना है। आंखों को बंद करके आपको ये सोचना है कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तब वो आपको ऊर्जा से भर रही है। ये सोचना यानी विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। मतलब काम बिल्कुल सिंपल है ब्रो, आपको उंगली को वैसी पोज में रख के सिंपली बैठ के विजुअलाइज करना है। ज्ञान मुद्रा से आपका दिमाग ज्यादा तेज होता है, आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर बढ़ती है। जब आप अपने सांस पे फोकस करते हो तब आपकी कॉस्मिक एनर्जी यानी आपकी विश्व ऊर्जा भी बढ़ती है, आपके शरीर की लाइफ फोर्स यानी प्राण बढ़ती है। अगर आप स्टूडेंट हो तब आपके लिए ये बहुत काम की टेक्निक है। इस मुद्रा से आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी यानी किसी भी चीज को समझने की शक्ति बढ़ती है। मतलब आप आराम से किसी भी चीज को बिना किसी कंफ्यूजन के समझा पाओगे। रात को अगर आपको देर से नींद आती है जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, तो उसमें भी ये बहुत लाभ करती है। डेली 5 मिनट बस एक दो हफ्ते मुद्रा में बैठने के बाद आपको इसका फायदा नजर आने लगेगा। आप ये नोटिस करने लगोगे कि आपकी दिमाग की मेमोरी पावर काफी बढ़ गई है। डिप्रेशन, गुस्सा और डर ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत काम आती है। अगर आप इन सब नेगेटिव चीजों से परेशान हो तो ये मुद्रा आपको वहाँ से बाहर निकालेगी। और अगर आप नॉर्मल हो तो ये मुद्रा डेली प्रैक्टिस करने से आपको पूरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। सेकंड मुद्रा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा की खास बात ये है कि इस मुद्रा में ये जरूरी नहीं है कि आपको ये बैठ के ही करना है। इस मुद्रा का फायदा आप जब चाहें तब उठा सकते हो। आंखों को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, खड़े होकर कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो, जॉब करते हो तो ऑफिस में कर सकते हो। वायु मुद्रा में आपको अपने इंडेक्स फिंगर यानी इस वाली उंगली को मोड़ना है और उसके ऊपर इस तरह से अपने अंगूठे को रखना है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। बिल्कुल ऐसी ही वायु मुद्रा से आप रिलैक्स्ड फील करते हो। तो मेरे स्टूडेंट भाइयों, जब भी एग्जाम में आपको डर और स्ट्रेस फील हो तब आप चाहे कहीं भी हो आप अपने उंगली को ऐसे कर दो, किसी भी हाथ की उंगली को ऐसे कर दो। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका सारा स्ट्रेस एक जादुई तरीके से गायब हो जाएगा। वायु मुद्रा का एक और सबसे बड़ा फायदा है आपकी स्किन का चमकना। इस मुद्रा को अगर आप डेली सुबह 3 से 5 मिनट करोगे मतलब कि अपने उंगली को इस पोज में रख के बैठोगे तब आपकी स्किन की हाइड्रेशन बढ़ेगी और इसके चलते आपकी स्किन की ग्लो यानी चमक बढ़ेगी। मतलब आपके चेहरे के ऊपर एक तेज दिखेगी। पर इसके लिए आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना होगा। कुछ हफ्ते अगर आप ये डेली करोगे तब आपको अपने स्किन पे ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसी और भी कई बॉडी हैक्स आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपका फायदा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग और शरीर बिल्कुल 100% फिट हो जाए, और ये मैं करके ही रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ ही साथ फैक्टेक को सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।